फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या, नॉलेज इज डिवाइन मेरे चैनल का नेम है। जल्दी से जाकर बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको मेकअप रिमूवर सजेस्ट करना चाहूँगी। गार्नियर ब्रांड का है, पर्पल ऐप से मैंने बाय किया है, विद डिस्काउंट बाय किया है। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट विजिट कर सकते हो वेबसाइट पर और चेकआउट कर लीजिए, अपने लिए बाय कर लीजिए। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर करी, ऐसा नहीं करी यही बेस्ट है, वन है, इसी को ही लीजिए। मुझे अच्छा लगा और यह मेरा पहला मेकअप रिमूवर था। और अगर ऐसे नहीं है, मैं इसके अलावा और भी मेकअप रिमूवर की आपको सजेस्ट करूंगी, मतलब कि लेकर आऊंगी रिव्यूज, जैसे और जो भी मुझे लगते हैं कि आपके साथ शेयर किए जाने चाहिए, वो भी मैं आपके लिए फटाफट से आगे की वीडियोज में लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आगे चलिए थोड़ा सा। आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज़ और क्या इसके रिजल्ट है वो भी देख लीजिए। और हाँ, प्लस इसको डिटेलिंग से जान लीजिए। किसी इंसान को जाने बिना उससे दोस्ती नहीं करते, उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट को जाने बिना उससे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से जाके देख लीजिए डिटेलिंग में इसका वर्क, इसका रिजल्ट। गार्नियर माइसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लींजिंग वाटर, जो कि सूट करता है ऑल टाइप स्किन के लिए, रिमूव करता है आपके वाटरप्रूफ मेकअप को, क्लींजिंग करता है, नरिशिंग करता है, नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी है। फेस, आईज, लिप्स के आप मेकअप को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। प्लस इसमें आर्गन ऑयल का कॉम्बिनेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पे बहुत जेंटली वर्क करेगा, आपकी स्किन को किसी तरीके का हार्म नहीं होने वाला है, आपकी स्किन को परफेक्टली क्लीन करेगा, नरिश करेगा, कंफर्टेबल करेगा आपको। इसमें दो तरह की पैकेजिंग आती है, पिंक और येलो, और इन दोनों का सेम क्वांटिटी आती है 125 ml, लेकिन प्राइस दोनों का डिफरेंट है। एक है 175 मेरे ख्याल से और एक का प्राइस है 225। दोनों के सेल्फ लाइफ भी 3 साल है। और एक जो है आपका वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव करता है, नॉन वाटरप्रूफ भी मेकअप रिमूव करता है, लेकिन जो ये पिंक वाला है वो सिर्फ नॉन वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव करता है। येलो वाला आपका वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ दोनों मेकअप रिमूव करता है, इसलिए मैंने येलो वाला परचेज़ किया। और इसमें बिग पैकेजिंग भी आती है 400 ml की, उसका प्राइस भी आपको थोड़ा इंक्रीज होके मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ये मेकअप को इंस्टेंट रिमूव करता है, वाटरप्रूफ मेकअप को। मैंने स्टेक वेयर की लिपस्टिक फाउंडेशन लिया है, ये मेबलिन का, ये देखिए मैंने ऑलरेडी लगा लिया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है लाइनर, काजल, फाउंडेशन, लिपस्टिक, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। और ये कॉटन पैड ले लीजिए आप, मेरे पास कॉटन पैड नहीं है, कॉटन है, मैं कॉटन ये लेकर इसी से करूँगी। तो पहले यूज़ करने से पहले क्या करना है, शेक करना है। काफ़ी अच्छी इसकी फ्लिप वाला जो ये ढक्कन है ना, काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। अब इसमें थोड़े से कुछ ड्रॉप्स लगा के पूरे कॉटन पे फैला लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एक ही जगह रहेगा। तो ये देखिए पूरे कॉटन पे फैला लीजिए। अब आप, चलिए मैं आपको लाइनर रिमूव करके दिखाती हूँ, थोड़ी देर आपको रखना है, ठीक है, ये कुछ सेकंड के लिए रखना है आपको और दबाना नहीं है, स्वाइप करना है। ये देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ की तरफ दबाव नहीं थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा दबाते हुए निकालना है आपको। ये देख लीजिए रिमूव हो गया, किस तरीके से निकला ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक, इसी से ही मैं करके दिखाती हूँ, इसमें काफ़ी अभी है प्रोडक्ट अमाउंट। ये मैंने प्रेस किया और बस कुछ सेकंड रखना है, ध्यान रखिएगा, और फिर इस तरीके से निकालना है। देखिए मैंने कुछ सेकंड नहीं दिए इसलिए, लेकिन देखिए किस हद तक इसने रिमूव किया, कुछ सेकंड देना है, ठीक है। थोड़ा और एक और बार कर लीजिए, कम से कम 10-15 सेकंड दे देंगे इनफ, इतना काफ़ी है, मैंने बहुत जल्दी रिमूव कर लिया था, ठीक है। ये रिमूव, ये फाउंडेशन पे देख लीजिए आप, फाउंडेशन पे किस तरीके से वर्क करता है। प्रेस करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है आपको। ये फाउंडेशन को इसने रिमूव कर दिया, देख रहे हो आपने, मैंने जहाँ फिंगर प्रेस कर रखा था वहाँ का निकल गया, यहाँ पर से थोड़ा सा हल्का सा रह गया है। ये ऐसे ही हो गया क्योंकि इतना अमाउंट पूरे कॉटन पे था कि आसानी से रिमूव हो जाए। अब इस साइड से मैं कर रही हूँ काजल को, इसको भी प्रेस करके रखे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड होल्ड, मतलब कुछ सेकंड आपको होल्ड करके रखना है, 15 सेकंड रखना है आपको होल्ड करके,
और स्वाइप करते हुए निकाल देना है। बस ये देखिए क्लियर आपका मेकअप रिमूव, मेरे तो ये है ना आपका मेकअप रिमूव हो चुका है, ये देखिए आप। और ये देखिए किस तरीके से कॉटन पैड कितना गंदा हो गया है, किस तरीके से आपका मतलब वाटरप्रूफ मेकअप को इस तरीके से रिमूव करता है। देख रहे इतनी आसानी से आपका मेकअप रिमूव होने वाला है इस रिमूवल से। तो अगर आप चाहते हो इसे यूज़ कर सकते हो एज अ मेकअप रिमूवर, वाटरप्रूफ मेकअप को बहुत ही ईजीली रिमूव करता है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।